सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। माय नेम इज केविन एंड यू आर वाचिंग केस व्लॉग्स। तो कैसे हो सब? आई होप सब बड़े होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल बी अनबॉक्सिंग द बोट एडोब्स 171। सो दिस इज द मेन यूनिट। ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने एक बार अनबॉक्स कर लिया ऑलरेडी बिकॉज फॉर सेफ्टी रीजन। तो आपके लिए भी एक बार अनबॉक्स कर देते हैं और दिखाते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है और क्या क्या चीज रहती है और कैसे है ये एडोब्स 171। सो लेट्स अनबॉक्स दिस। सो ये है मेन बॉक्स द बोट एडोब्स 171 के, और यहाँ पर लिखा है मूव विद द स्वे, यस। और ये बोट का लोगो और एडोब्स का लिखा हुआ बैजिंग, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट है और इसके अंदर ब्लूटूथ 5.0 इनबिल्ड है। सो ये, और यहाँ पर बोट का नया लोगो, और इस साइड देखे तो बोट एडोब्स 171 इसकी बैजिंग, और यहाँ पर देखे यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर अर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, ड्यूअल टोन कलर में है, ये प्योर ऑडियो बाइल 6mm ड्राइवर, यस इसके अंदर 6mm के ड्राइवर है, और यहाँ पर पीछे बहुत कुछ लिखा है जो हमारे काम का है ही नहीं, और बोट की बैजिंग, और यहाँ पर भी लिखा है कि वन टच गूगल और सीरी का असिस्टेंट है और मल्टी फंक्शन बटन है, यस ये दो फिजिकल बटन है इस दोनों के अंदर। सो लेट्स ओपन दिस एंड सी वॉट इज इन साइड। तो इसको साइड में रखते हैं, और यहाँ पर ब्लू कलर में मेन यूनिट बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या है। ओके, तो बॉक्स कंटेंट में हमको ऐसा मिलता है कि यहाँ पर मैनुअल है। ओके, ये मैनुअल ही लग रही है मुझे, और यूजर मैनुअल ही होगी। ओके, सो ये यूजर मैनुअल है, बहुत लंबी लिस्ट है यूजर मैनुअल की। तो यहाँ पर हमको यूजर मैनुअल मिलती है, फिर यहाँ पर अंदर देखे तो ये भी एक वारंटी गाइड है, और ये बस ऐसे ही सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस लाइक कर दीजिए वीडियो को, और यहाँ पर चार्ज करने के लिए चार्जिंग केबल, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल है, और बस और दूसरा कुछ नहीं है इसके अंदर। और तो यहाँ पर हमको बहुत सारे ईयरबड्स मिल जाएंगे आपके हिसाब से, जो भी आपको पसंद है वो भी यूज कर सकते हो। तो ये सबको साइड में रखते हैं और मेन यूनिट को पकड़ते हैं। तो ये मेन यूनिट है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ब्लू कलर के अंदर, इवन ब्लैक कलर भी आता है और एक पिंकिश कलर में भी आता है ये यूनिट। तो इसमें ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको ओपन बहुत इजीली हो जाता है इसको, बट ये ओपन करने के बाद फील होता है कि ये बहुत लाइट वेट है, बट थोड़ी प्लास्टिक क्वालिटी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं देखने को मिलती। और ओपन करने के बाद यहाँ पर हमको ग्रीन लाइट देखने को मिलती है, यस फिजिकल LED इंडिकेटर्स के है इसके ऊपर। और इसको बंद करने के बाद यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा माइक्रो USB का, और ऑन द बैक यू कैन सी बोट बैजिंग अगेन। सो यहाँ पर हम जो LED इंडिकेटर्स देख रहे हैं तो उसके ऊपर ये फिजिकल बटन्स हैं, तो इसको मोबाइल के साथ पेयर करने के लिए हमको फर्स्ट टाइम ये दोनों बटन को प्रेस कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, तभी फर्स्ट टाइम पेयर होगा हमारे मोबाइल के साथ। बट आफ्टर पेयरिंग वंस, आप जब भी इस केस को ओपन करोगे तब ही आराम से ये कनेक्ट हो जाएगा वापिस, हमको ये प्रेस नहीं करना है। तो बहुत ही अच्छी चीज है इसके अंदर की, और इसके अंदर 6mm के ड्राइवर्स है, वो प्रीटी डिसेंट है, चलते हैं। तो आप देख सको तो कि यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो सब प्लास्टिक ही है, बट डिसेंट प्लास्टिक यूज किया है, बहुत रफ प्लास्टिक नहीं है, और बहुत ही लाइट वेट है ये, लाइक आप ईयर में पहनने के बाद पता नहीं चलेगा कि ये गिर गए तो भी पता नहीं चलेगा इसका। और यहाँ पर जो ईयर टिप्स दी हुई है वो भी बहुत स्मॉल है और इजीली कंफर्टेबली आपकी ईयर के अंदर चले जाएगा, तो ये डिसेंट इनफ है और लाइट वेट है। तो इसकी प्राइस है सिर्फ 1800, यस ये 1800 की ही डील है, आप आराम से अमेजोन पे से मंगवा सकते हो और बोट के वेबसाइट से भी मंगवा सकते हो। सो सिंपल एज। तो आपको जब ये यूनिट आपको इसके केस के अंदर रखनी है तो बहुत इजीली ये पुट हो जाती है, जैसे कि ये मैग्नेटिक है तो ये इजीली ये भी पुट हो गया और ये भी पुट हो गया और बंद कर सकते हैं। तो बहुत ये भी बहुत कंफर्टेबल और इजी टू हैंड है, लाइक इसका वेट ही नहीं फील हो रहा, आप आराम से कैरी करके बाहर ले जा सकते हैं, इजीली पॉकेट के अंदर रह जाएगा ये।
तो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर दिस। चलते हैं और अब देखते हैं कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है। मैं एक बार यूज करके आपको दिखाता हूँ कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है इसके अंदर। तो अभी मैं यूज कर रहा हूँ इसको सॉन्ग सुनने के लिए। मैं 15 मिनट से सॉन्ग सुन रहा हूँ तो मुझे बहुत ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं बहुत प्रीमियम वाले डिवाइस यूज कर रहा हूँ। बेस और ट्रेबल बहुत लो है, ठीक ठाक है। मैं 15 मिनट से यूज कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं अभी जज नहीं कर सकता। और मैंने एक कॉल किया था वो भी ठीक ठाक था, उनकी उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी प्रॉपरली, पर मेरी आवाज थोड़ी स्ट्रगल हो रही थी, बहुत माइनर। पर ये सब इंडोर कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी आउटडोर मैंने टेस्ट नहीं किया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं डेप्थ रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, प्लीज वो देखना नहीं भूलिएगा आप। मैं डेप्थ पूरा सब कुछ यूज करके वो रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून माय यूट्यूब चैनल। और अभी सब कुछ मुझे लाइक फ्लेक्सिबल लग रहा है, मैंने थोड़ी मूवमेंट की है, पिंग्स भी किए घर पे अभी, और तब ये नहीं गिरे मेरे से, तो ये अच्छा लाइक अच्छा फिर साउंड हो रहा है। और इसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है और बटन्स भी बहुत अच्छे हैं, वो सब के लिए ये रियली अच्छा है इसके प्राइस रेंज में 1800 में। तो आपको ये कैसे लगे बोट एयर डोब्स 171, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हो। ये वैल्यू फॉर मनी है। तो आपके प्रोज और कॉन्स क्या है, आपको ये कैसा लगा प्लीज मुझे शेयर कीजिएगा, ऐसे मैं डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो बनाने वाला आपके लिए। तो इसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, तो मैं जैसे ही इसको रिव्यू वीडियो लाइव करूंगा तो आपको पता चली जाएगा। और आपकी सोच क्या है इसके बारे में वो भी मुझे बता दीजिए, और वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। लिव लाइफ किंग साइज, साइनिंग ऑफ केविन शाह।